Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start question number 5 from exercise 2.1 fractions. So this question is convert each of the following into improper fraction. तो आपको given है mixed fraction, इसको improper fraction में convert करना है. देखो mixed fraction क्या होता है, जिसमें एक तो whole number होता है और उसके साथ में fraction मिला हुआ होता है. Improper fraction क्या होता है, जिसका numerator ग्रेटर होता है देन द डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या करेंगे, 4 into 2. सो 4 into 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर होता है न्यूमरेटर उसको ऐड करते हैं, और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ रहती है 4. सो हमने क्या किया, इन दोनों को किया मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 3 को ऐड. सो 4 into 2 plus 3 upon 4. सो 4 into 2 8 plus 3 upon 4. 8 plus 3 is 11 upon 4. तो आप देख रहे हो जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है. तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस इज आर आंसर. सो नेक्स्ट इज 3 whole 3 upon 10. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 10 को तो करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और ये वाला 3 ऐड कर देंगे अपॉन, डिनोमिनेटर में 10 था, 10 ही रहेगा. इसको सॉल्व करेंगे, 3 tens are 30 plus 3 upon 10. क्या बन जाएगा, 30 plus 3 33 upon 10. सो दिस इज योर आंसर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. इसमें है 6 whole 2 upon 3. तो कैसे करेंगे, 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 6 2 को ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा, राइट. 3 into 6 18 plus 2 upon 3. 18 plus 2 20. डिनोमिनेटर में 3. दिस इज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है. ईजी है बहुत. इसमें है 2 whole 5 upon 6. तो 2 और 6 को तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, अपॉन में 6 ही रहेगा. 2 6 are 12 plus 5 upon 6. 12 plus 5 17 upon 6. लास्ट इज 6 whole 2 upon 5. सो 5 into 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको ऐड 2 को, डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 ही रहेगा. 5 6 are 30 plus 2 upon 5. क्या आ गया, 30 plus 2 is 32 upon 5. सो दिस इज आर आंसर. तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. सो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट क्या होता है, जिनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके, अगर इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी, तो सेम ही फ्रैक्शन आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो मैं फर्स्ट आपको करके दिखाती हूँ. फर्स्ट इज 9 upon 15 and 3 upon 5. बताना है क्या ये इक्विवेलेंट है. सो सबसे पहले लेते हैं 9 upon 15 को लेते हैं. देखो ये कट हो रहे हैं, 3 के टेबल से दोनों कट हो रहे हैं. 3 3s are 9 3 5s are 15. तो इसको सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म क्या है, 3 upon 5, और दूसरा क्या है, 3 upon 5. तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है. अनदर है 3 upon 5. तो दोनों इक्वल है ना, देयरफॉर दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है. यस करके लिख सकते हो, यस दे आर, दीज आर इक्विवेलेंट. नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड इज 7 upon 21 and 3 upon 9. अगेन 7 upon 21 को सॉल्व करेंगे. 7 ones are 7 7 3s are 21. लोएस्ट फॉर्म आई 1 upon 3. नेक्स्ट गिवन है 3 upon 9. इसको भी हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल से. 3 ones are 3 3 3s are 9. सो सेम आ गया, दोनों 1 upon 3 1 upon 3. तो हम बोलेंगे यस, आप इसको कंप्लीट लिख सकते हो, यस दीज बोथ आर इक्विवेलेंट. थर्ड करते हैं 5 upon 7. 5 upon 7 तो किसी भी टेबल के कॉमन में नहीं आता है, किसी भी टेबल में नहीं आता है ना, किसी भी नंबर के टेबल में. नेक्स्ट इज 15 upon 28. ये भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो आंसर आएगा नो. ये दोनों कॉमन नहीं आ रहे तो हम लिखेंगे नो, दीज बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट. फोर्थ इज 6 upon 13. 6 upon 13 भी किसी के टेबल से कट नहीं होते हैं दोनों. और दूसरा गिवन है 30 upon 52. इस ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं. 2 15 times 2 2s are 4 6.
ये फर्दर कट नहीं हो रहे तो आंसर आया 15/26, बट पहले वाले का था 6/13 तो आंसर आएगा नो, राइट। फिफ्थ इज 4/9 एंड 20/45, सो 4/9 फर्दर कट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 20/45, ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, 5 4s are 20, 5 9s are 45, देखो ये आ गया ना 4/9, ये भी 4/9 था, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, सो यस। सिक्स्थ इज 8/36 एंड 2/9, 8/36 लेते हैं, ये 4 के टेबल से कट हो रहा है, 4 2s are 8, 4 9s are 36, सो 2/9, और दूसरा क्या था फ्रैक्शन, 2/9, तो दोनों सेम आ गए, तो हम बोलेंगे यस दिस बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। सो हियर आर 2.1 एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।